हे गाइस, वेलकम टू सत्या एट किचन। आज मैं आपके साथ बेसन और आलू मिक्स करके एक ऐसा स्नैक शेयर करने जा रही हूँ जिसे अगर आप बनाना जान जाएंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा। अगर आपको खुद भी खाने का मन हो या इवनिंग के टाइम में, टी टाइम में आपको लेने का मन हो या बच्चों को पसंद हो या फिर कोई गेस्ट घर पे आ जाएं, तो बिना किसी झंझट के आप इसे बना सकती हैं। इसी वजह से मैं इसे शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास ज़्यादा परेशानी है नहीं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये छोटे वाले बाउल से मैंने लिया है 1 बाउल बेसन, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वादानुसार। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से आप देख सकते हैं कि लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो अब मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी और बिल्कुल पतला सा घोल तैयार करना है। तो अभी तक मैंने इसमें इस ग्लास से 1 ग्लास पानी ऐड किया है और अब इतना सा और, यानी 2 बड़े चम्मच जैसा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। यानी आप मान सकते हैं कि इस 1 ग्लास से फुल ग्लास पानी, क्योंकि पानी जो लिया था मैंने इतना ही लिया था उस टाइम में, तो आप 1 पूरा ग्लास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है, अब इसे मैं रख दूंगी एक साइड। यहाँ पे मैंने लिया है फिर से 2 उबले हुए मीडियम साइज के आलू, तो इसे मैं ग्रेट कर लूंगी। ग्रेट करने से इसमें आलू के कोई टुकड़े नहीं रहते हैं, इसलिए ग्रेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आलू यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म किया है और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। तो जब तेल गर्म हो जा रहा है तो इधर मैं तब तक फिर से एक बार इसे मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि जो बेसन जो है वो अगर नीचे बैठ गया होगा तो वो अच्छे से फिर पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं फिर से, अभी मैंने फ्लेम को भी लो कर दिया है और ये घोल मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। और अब मैं इसे इसी तरह से चलाती रहूँगी और फ्लेम को बिल्कुल ही मैंने लो कर दिया है। और जल्दी जल्दी चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से, देखिए आप इसमें जैसे गांठे पड़ जाए वैसे पड़ना शुरू हो गया है। एक्चुअली ये गांठ नहीं पड़ रही है, गुठली नहीं बन रही है, ये गाढ़ा हो रहा है, बहुत जल्दी गाढ़ा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगेगा और ये पूरी तरह से जमना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ये। और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मैं इसे कर रही हूँ। बेसन के घोल को जब कढ़ाई में डालें तो नॉनस्टिक कढ़ाई में ही डालें, क्योंकि जब ये गाढ़ा होता है तो बहुत आसानी से कढ़ाई को छोड़ता भी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से छोड़ता है। लेकिन अगर इसकी जगह आपने दूसरी कढ़ाई, एल्यूमिनियम की कढ़ाई अगर ले ली तो ये स्टिकी हो जाएगा।
बस इसी तरह से लो फ्लेम में ही मैं इसे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना आराम से इस तरह से कढ़ाई छोड़ रहा है, लेकिन अभी इसे और भी ड्राई करना है, बहुत टाइट बनाना है इसे। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दे रही हूँ, कंटिन्यूसली अपने हैंड को इसी तरह से चलाते रहना है। तो वापस से अब आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई में लगना शुरू हो गया। तो अब मैं फ्लेम को कर दे रही हूँ ऑफ, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसे मैं ठंडा करूँगी, इतना ठंडा करूँगी ताकि मैं हाथ इसे लगा सकूँ, पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। देख सकते हैं कि कितना आराम से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसे हाथ भी लगा सकती हूँ। तो बस यहीं पे मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेट किया हुआ आलू और अच्छे से इसे मिक्स करूँगी इसमें। तो इसे अभी मिक्स करूँगी मैं, उससे पहले एक प्लेट लिया है मैंने और इस प्लेट को मैं थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे ग्रीस कर लूँगी इस तरह से चारों तरफ, इस तरह से प्लेट के चारों तरफ लगा दूँगी ऑयल को। इसे साइड रख दूँगी और वापस से ये जो मिक्सचर है आलू और बेसन का, इसमें मैं मिक्स करूंगी थोड़ा सा धनिया का पत्ता। मैं इसे अपने हाथ से अच्छे से गूंद लूंगी ताकि धनिया का पत्ता, आलू और बेसन एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और हाँ, हाथ में तेल लगाना ना भूलें, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे तेल लगा लिया था, नहीं तो ये बहुत चिपकेगा हाथ में। बावजूद अगर आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा और लग रहा है तो आप इस तरह से, जब मैंने प्लेट ग्रीस किया था तो उस टाइम में मेरे हाथ में तेल लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा और लगाऊंगी मैं क्योंकि ये काफ़ी नहीं था। तो इस तरह से इसे अच्छे से गूंदना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो वापस से मैं इसे हटा के और इस प्लेट में, ग्रीस किए हुए प्लेट में ये मिक्सर डाल दूंगी और इसे बहुत ही आराम से, यानी अभी भी हाथ में अगर चिपक रहा है ये तो फिर से थोड़ा सा तेल लगा लें इस तरह से, आराम से इस तरह से दोनों हाथों में लगा लें और इसे फैलाएं इस तरह से प्लेट में चारों तरफ। तेल आप अगर हाथ में लगाते हैं तभी इसे ऊपर से चिकना कर पाएंगे, नहीं तो ये जब जब आप बिना तेल के अगर इसे लगाएंगे हाथ तो ये हर बार थोड़ा सा हाथों में चिपक कर आ जाएगा, इसलिए तेल लगाएं ज़रूर और इसे शेप में कर लें अच्छे से। अब मैं इसे अच्छे से किसी तरह से इस तरह से किनारे से इसे एक शेप दे दूंगी, इसमें ऑयल लगा दे रही हूँ मैं अच्छे से। आप स्पून से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक शेप में आ गया है ये। तो अब मैं इसे 10-15 मिनट तक इसे फ्रीजर में रखूँगी, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखना है इसे, ताकि ये जो थोड़ा सा गीला गीला सा हो रहा है ये अच्छे से आपस में बिल्कुल टाइट हो जाए, मतलब ढीला ना रहे। क्योंकि आप अगर इस तरह से भी इसे एक शेप देना है, इसे कट करना है बीच से,
तो अभी अगर मैं कट करूँगी तो वो नहीं बढ़िया से परफेक्टली नहीं कट होगा, तो जब ये टाइट हो जाएगा फिर इसे कट करूँगी। तो 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रीजर में रखने जा रही हूँ। तो 15 मिनट तक फ्रीजर में रखने के बाद अब मैंने इसे बाहर कर लिया है और मैंने लिया है एक नाइफ। नाइफ के ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगा दूँगी ताकि बिल्कुल भी इसके ऊपर चिपके नहीं। और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो इसे बहुत ही आराम आराम से मैं निकाल लूँगी, बहुत ही आराम आराम से निकालना है। इस तरह से इसे प्लेट में रखते चले जाऊंगी मैं। अपनी जगह से इसे थोड़ा खिसका दिया है ताकि ये प्लेट से चिपके हुए ना रहे। तो ये एक प्लेट में और एक ये प्लेट में आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने रेडी कर लिया है। तो अब इसे फ्राई करना है, तो चलिए फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने इसे डीप फ्राई करने के लिए तेल डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो, लेकिन मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी ये मिक्सचर जो जिसे मैंने एक बर्फ़ी का शेप दिया है। तो बस फ्लेम को मैंने अभी कर दिया है लो टू मीडियम, तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, लेकिन इसे हाई फ्लेम पर मैं फ्राई नहीं करूंगी, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाए। कच्चा तो है नहीं, फिर भी इसको मैंने पकाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे से इसे पकाना है तो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम को रखा हुआ है और इसे फ्राई करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं इसे खिसका दे रही हूँ जगह बनाने के लिए, क्योंकि इसमें और भी लेगा ये। मैं करने वाली हूँ बिल्कुल गोल्डन फ्राई करने वाली हूँ। तो जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएगा फिर मैं इसे पलट दूंगी। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तेल में, जो इसके और भी पीसेस बचे हुए हैं उसे वापस मैंने फ्रीजर में रख दिया है, क्योंकि अब जितनी देर में ये फ्राई होगा वापस से वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा मिक्सचर और फिर टूटने के चांसेस हैं। इसलिए वापस से वो अच्छे से जब वो टाइट हो जाएगा और ये फ्राई हो जाएगा मैं वापस से निकाल करके उसे ले आऊँगी। तो एक साइड से ये गोल्डन हो गया है, अब मैं इसे धीरे धीरे पलट दे रही हूँ। आप देख सकते हैं दूसरे साइड से भी मुझे इसी तरह से बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है इसे। तो बस इसे इसी तरह से देखिए पलट करके, अगर ये गोल्डन हो गया है तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं हुआ है तो इसे फिर वापस आप इस तरह से पलट सकते हैं, इस तरह से पलट दे सकते हैं।
अगर एक बार में ये गोल्डन हो गया है एक साइड से, तो आप दूसरी साइड भी इतना ही टाइम लगाएं और दोनों साइड गोल्डन करें। अगर नहीं हुआ है, आपने बीच में पलट दिया है, तो 2 से 3 बार इसे पलटते रहें और गोल्डन होने तक ही इसे निकालें। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है, आपको दिखा दे रही हूँ। और बस यहीं पे अब इसे और ज़्यादा नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सा हो गया है। तो बस अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। बेसन मिक्स करके ये ज़बरदस्त स्नैक मैंने रेडी किया है। आपको ये देख के अंदाज़ा लग रहा होगा, तो बस यकीन मानिए खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। बस आपको इसे बनाना है, खाना है और कमेंट करके मुझे बताना है। तो देर बिल्कुल भी ना करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करती हूँ। तो वीडियो यानी रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। इससे ये दो बातें होती हैं, एक्चुअली इससे होती दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं भी मोटिवेट होती हूँ आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, और दूसरी बात ये कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है मेरे अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए सबसे पहले। मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए Thanks for watching.